हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम दोस्तों जानेंगे पतंजलि बंधानी हिंग के बारे में। क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स, क्या इसकी कॉस्ट है और इसका कैसे प्रयोग करें। पतंजलि 25 ग्राम बंधानी हिंग की कीमत 40 रुपये है। यह बीपी को कंट्रोल करता है, कब्ज को रोकता है, नर्वस डिसऑर्डर को कंट्रोल करता है। यह खाद्य अनाज अरबी, गोंद और हिंग तीन चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। इसका सीमित मात्रा में उपयोग करते हैं तो यह बहुत ही अच्छे हेल्थ परिणाम आपको देगा और कोई नुकसान नहीं करेगा। यह क्रश और दानेदार रूप में बोतल में मिलता है। यह प्लास्टिक की बोतल में आता है। एक बार इसकी बोतल को खोलने के पश्चात 18 महीने के अंदर इसका प्रयोग करना होता है। दाल और अन्य सब्जियों में तड़के के रूप में ही इसको डाला जाता है। यह पेट की पाचन शक्ति और भूख बढ़ाने में मददगार है। यह खाने को स्वादिष्ट बनाती है। इसका ज़्यादातर उपयोग भारतीय और फारसी खाने में किया जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, फास्फोरस, कैल्शियम, लोहानी, नियासिन, कैरोटीन, लाइबोफ्लेविन पाया जाता है। इसका उपयोग रसोई के अलावा आयुर्वेदिक औषधियों में भी किया जाता है। इसको रोज़ाना खाने के बाद आधा कप पानी में 1 ग्राम डालकर और घोलकर पी सकते हैं। ये सांस के रोगों को दूर करती है, जैसे काली खांसी, दमा, सूखी खांसी आदि को ये दूर करने में सहायक है। मासिक धर्म की परेशानी को ये दूर करती है। ये पुरुषों में होने वाली नपुंसकता को रोकती है। मधुमक्खी के काटने पर दर्द को कम करती है, इसलिए दर्द निवारक दवाइयाँ इससे बनाई जाती हैं। रसोई घर में हिंग का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। हिंग सुगंध और स्वाद भी बढ़ाती है, खाना सुपाच्य बनाती है। आमतौर पर यह घने लाल भूरे कलर की होती है। इसके स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे फायदे हैं। महर्षि चरक के अनुसार हिंदी दमा रोग के लिए रामबाण होती है। कफ की समस्या को समाप्त करती है, गैस की समस्या को दूर करती है। हिंग में एंटी फंगल गुण होते हैं। पानी में घोलकर जले हुए स्थान पर लगाने पर जलन में आराम मिलता है। नीम की पत्ती को मिलाकर फोड़े फुंसी और मुहासों पर लगाने पर फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। यदि आपको हिचकी आ रही है तो पुराने गुड़ के साथ हिंग मिलाकर खा लें तो हिचकी आना बंद हो जाएगी। पेट में अफारा और ऐठन होने पर इसे अजवाइन और नमक के साथ मिलाकर खा लें, समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। गला बैठ जाने पर गर्म पानी में घोल कर और हल्के गुनगुने पानी से गरारे करने पर 2 से 3 बार में गला ठीक हो जाता है। यदि किसी को दस्त हो जाते हैं तो हिंग का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद जीरा, पीपल सॉल्ट, सेंधा नमक और हिंग बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें और एक शीशे में भरकर रख लें। सुबह और शाम को 1 चम्मच इसका सेवन करें। एक दिन में ही दस्त आने बंद हो जाएंगे। दिन में 2 बार इसका प्रयोग करें। यदि किसी को सिर में दर्द है तो पानी मिलाकर इसको पी ले तो सिर दर्द में आराम मिलता है। यदि किसी को माइग्रेन की समस्या है तो हिंग को पानी में घोलकर इसकी कुछ बूंदें नाक में डालें। ऐसा रोज़ाना करने से माइग्रेन से जल्द छुटकारा मिलता है। दाद, खाज, खुजली ने इसको पानी में भिगोकर लगाने से आराम मिलता है और इसके पानी को पानी में उबालकर कुल्ला करने से दांत दर्द में आराम मिलता है। दांत दर्द को ठीक करने में ये सहायक है।